हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका प्रजापति इंडिया ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रामायण के 5 उक्ता सबूत जिन्हें आप नहीं जानते होंगे के बारे में बताऊंगी। पर उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है और आप बचपन से ही हम सब पढ़ते हुए आए हैं कि ऐसे रावण ने देवी सीता का हरण किया, बाद में रामचंद्र जी और रावण के बीच युद्ध हुआ और कैसे रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। आपको ऐसा पुख्ता सबूत दूंगी जिससे आपको रामायण के प्रति आपके दिमाग में कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। पहला, अशोक वाटिका। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था क्योंकि माता सीता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था। वो अशोक वाटिका आज भी मौजूद है। इस अशोक वाटिका को श्रीलंका में बॉटनिक गार्डन के नाम से जाना जाता है और इस गार्डन में उस पर्टिकुलर जगह जहां माता सीता को रखा गया था उसे सीता एले के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और ख़ास बात जो सारे ही लोगों को हैरान करती है वो है यहाँ के वृक्ष यानी कि पेड़। रामायण में यह बताया गया था कि अशोक वाटिका का नाम इसलिए अशोक वाटिका रखा गया था क्योंकि उस वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत अधिक थे। अजीब बात यह है कि जैसा रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन किया गया था ये बॉटनिक गार्डन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। दूसरा, स्टैचू ऑफ जटायु। रामायण में बताया जाता है कि जब रावण सीता का हरण करके हवाई मार्ग से उनको लंका ले जा रहे थे तो उसको रोकने के लिए जटायु नामक गिद्ध ने उसका सामना किया था। रावण ने उस जटायु का एक पंख काट दिया था जिसके कारण जटायु घायल होकर एक पहाड़ी पर जाकर गिर गए थे। लेकिन आपको बता दें कि वो पहाड़ी भी रामायण के बहुत बड़ी सबूत है क्योंकि आज भी केरल के कोल्लम में उस पहाड़ी पर जटायु की दुनिया सबसे बड़ी पंछी की मूर्ति बनाई गई है जिसे आप स्टैचू ऑफ जटायु के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जटायु हिंदू पौराणिक इतिहास के पहले वो पात्र थे जिन्होंने वीमेन प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी थी। तीसरा, रावण का हवाई अड्डा। आपको बता दें कि श्रीलंका के सिहाना शहर में वीरांगा कोटा नाम की एक जगह है जिसका मतलब होता है विमान उतरने की जगह। श्रीलंका के लोगों के अनुसार यही वो जगह है जहां रावण ने सीता जी का अपहरण करके बाद में अपना पुष्पक विमान उतारा था। ऐसा माना जाता है कि रावण के पास ऐसे 4 अति आधुनिक हवाई अड्डे थे। चौथा, हनुमान जी के चरणों के निशान। श्रीलंका में लोवरा एल्या नाम की एक जगह भी है जहां माता सीता का मंदिर है। साथ ही एक मंदिर के पास झरना भी है जो बहता है। कहा जाता है कि माता सीता इसी झरने में स्नान भी करती थी। इस झरने के आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। यहाँ वो पर्वत भी है जहाँ पहली बार हनुमान जी ने अपना पहला कदम रखा था। यह पर्वत लंका और अशोक वाटिका के बीच स्थित है। हैरानी की बात ये है कि इस पर्वत पर भी वैसे ही पैरों के निशान हैं जैसे उस झरने के पास चट्टानों पर मिले थे। पांचवा, राम सेतु। अब बात कर लेते हैं उस सबूत की जिसने न सिर्फ भारत को और श्रीलंका के लोगों को भी चौंका दिया था बल्कि अमेरिका के साइंटिस्ट तक को हैरान कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की जिसे इंग्लिश में एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। रामायण में ये बताया गया था कि प्रभु श्री राम भारत से श्रीलंका के माध्यम से गए थे जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। राम सेतु आज भी मौजूद है। पुरातत्व विभाग के प्रमाणों से पता चलता है कि भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तक के मन्नार द्वीप के मध्य पानी के नीचे एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है जिसे 15वीं शताब्दी तक पैदल चलकर पार करके योग्य माना जाता है, मगर एक चक्रवात के कारण ये राम सेतु जगह जगह खंडित हो चुका है।
हैरानी की बात यह है कि जब नासा के सैटेलाइट ने इस क्षेत्र की फ़ोटो खींची तो राम सेतु उस सैटेलाइट की इमेज में दिखाई दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा आर्टिकल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंडिया ऑनलाइन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, द पावर ऑन योर साइड।